स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, साउंड प्रॉपर होना चाहिए। इफ थिंग्स आर फाइन वी कैन प्रोसीड। सो वी हैव कंप्लीटेड लाइट एस्पेक्ट ऑलमोस्ट टू थर्ड और मोर देन दैट, रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो इसको हम लोग अलग से चैप्टर का नाम दे रहे हैं या फिर ओवरऑल चैप्टर का नाम रहेगा मॉडर्न फिजिक्स। सो ये जो पार्टिकल नेचर है उसको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसको हम लोग इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं, दिस इज टॉपिक इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और भी ब्रॉडर सेंस में लिखना चाहो तो लाइट ना लिख करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिख सकते हो, बिकॉज ये सभी के लिए ट्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी ट्रू होता है। द सिंपल रीजन बीइंग लाइट इज अ फैमिली मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट्स ट्रू फॉर ऑल द वेव्स। लाइट के साथ लाइट हम देख पाते हैं, उसके सेंसेशन अपने को आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, सो लाइट पर फोकस कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सो एज यू रिमेंबर कि वी स्टार्टेड विद लाइक लाइट को थ्री पार्ट्स में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जिसमें लेंस मिरर्स वगैरह रहेंगे, वेव एस्पेक्ट जिसमें YDSE वगैरह एक्सपेरिमेंट देखा हमने, एंड नाउ पार्टिकल नेचर। आपको पता है कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो लाइट डुअल प्रॉपर्टी रखता है, लाइट हैज अ वेव करेक्टरिस्टिक, लाइट हैज अ पार्टिकल करेक्टरिस्टिक, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ डुअल नेचर। सो इस डुअल नेचर में इसका पार्टिकल करेक्टरिस्टिक कैसे होता है वो अपने को चेक करना। अभी तक जो आपने देखा वो सारा वेव करेक्टरिस्टिक था, चाहे वो YDSE एक्सपेरिमेंट हो, डिफ्रेक्शन हो या फिर पोलराइजेशन हो, व्हाट्स एवर, या उससे पहले जो रे डायग्राम वगैरह बनाया था उस पर भी हम लोगों ने यही माना था कि वो लाइट रे होती है, वेव होती है, बेसिकली उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए एज्यूम कर लेते हैं। ये पार्टिकल नेचर कब रखता है, कैसे अभी साउंड वापस आया गया, हाँ अभी साउंड वापस आया होगा, इज इट ओके एवरीथिंग ओके, सो मूव करते हैं। सो जब हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट है जो अपने मे बी लाइक केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व है, इनफैक्ट अब पाओगे मॉडर्न फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन जो है ना वो केमिस्ट्री से ओवरलैप करता है, बहुत सारा पोर्शन। सो बहुत सारे चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में हो गए होंगे, सो आप उससे भी मर्ज कर रिलेट कर सकते हो, और दोनों सब्जेक्ट्स में आपको बेनिफिट मिलता है। सो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, वो ये प्रूव करता है कि दिस इज लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, और हम लोग उसको समझेंगे कि किस तरह से उसे पार्टिकल नेचर अपने को दिखता है। एनीवे जब हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, सो जो लाइट को प्रपोज किया गया, लाइट के बारे में बताया गया कि दिस इज बेसिकली एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। सो लाइट ऐसा लिख सकते इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स, जिसको क्वांटा भी बोलते हैं, ऑफ एनर्जी, और उसी पैकेट को, एक पैकेट को नाम दिया गया कि दैट इज फोटोन, विच इज नोन एज फोटोन। सो फोटोन को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, बेसिकली ये पार्टिकल नहीं होता है, ये एनर्जी का पैकेट होता है। इट्स लाइक कि एनर्जी का आपके पास एक कलेक्शन है और वो कलेक्शन मूव कर रहा है, सो एनर्जी के कलेक्शंस मूव कर रहे होते हैं,
और उसी को हम बोलते हैं कि वो लाइट मूव कर रहे हैं। सिंस वो पैकेट फॉर्म में होता है, क्वांटा फॉर्म में होता है, इसका मतलब है कि उसको हम इंटीग्रल पार्ट में देख पाएंगे। दैट मीन्स या तो हमारे पास एक पैकेट होगा, या फिर दो पैकेट्स होंगे, थ्री पैकेट्स होंगे, फोर पैकेट्स होंगे, दैट मीन्स इंटीग्रल नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास 1.5 पैकेट्स हैं या फिर 10.6 पैकेट्स हैं। सो वो डिवाइड नहीं होता है, जस्ट लाइक आपने देखा था चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज हम n टाइम्स e लिखते हैं, तो e इज मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल पर ही कोई चार्ज बनता है। सिमिलरली यहाँ पर फोटोन के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, उस एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल पर लाइट की एनर्जी बनती है, उस स्मॉल एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं। हालांकि इसका नाम पार्टिकल भी बोल देते हैं, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक पार्टिकल। दैट मीन्स ये जो फोटोन है ना, इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना प्रोटॉन्स होते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो उसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, फोटॉन्स आर नॉट मटेरियल पार्टिकल्स। इसीलिए क्या होता है कि वो फील नहीं होता, वो कोलाइड भी नहीं होता है, कोलाइड होने के बाद वो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स जैसा बिहेव नहीं करते, उनको फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, इनका जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वो फिक्स रहता है। सो ऐसा बोल सकते हैं, अ फोटॉन हैज एनर्जी, तो जो पैकेट होता है एनर्जी का उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर एफ लिखे या कई बार न्यू लिखा जाता है, एफ ना लिखा होगा तो इस तरह से न्यू लेटर यूज करेगा, वो भी फ्रीक्वेंसी होती है, सो हम लोग भी न्यू यूज कर लेते हैं, एच न्यू, जिसको हम लोग एच एफ भी बोल सकते हैं, एफ और न्यू एक ही टर्म है। सिंस वी नो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेलोसिटी और वेवलेंथ से रिलेटेड होती है, v इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स न्यू होती है। ओके, सिंबल्स में आप कंफ्यूज ना करें इसलिए f डाल देते हैं, सो इसको लाइक v इज इक्वल टू लेमडा इनटू f। सिंस सबने को पता होता है कि ये लाइट जो है वो मूव करती है स्पीड ऑफ लाइट से, जिसको हम लोग c कहते हैं, तो v के प्लेस पर हम लोग c लिख सकते हैं। सो यहां से अपने को f के बारे में पता चलेगा, c बाई लेमडा। So, जो पैकेट के पास एनर्जी होगी दैट विल बी रिटन एज एस सी बाई लैम्डा। सो कोई भी फोटोन आपको दिया जाता है उसकी एनर्जी बताने के लिए वो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। सो अगर कोई लाइट सोर्स है, एफ फ्रीक्वेंसी से लाइट इमिट करता है, दैट मीन्स उसके लाइट में एच एफ एनर्जी के पैकेट्स है, वो जो एच एफ एनर्जी के पैकेट्स है दैट्स कॉल्ड फोटोन्स, और उसको हम लोग एस सी बाई लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। अगर अपने पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, n टाइम्स दिस नंबर। अगर सेम सोर्स से इमिट हुए हैं, सेम सोर्स से इमिट हुए, दैट मींस उनकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। अच्छा, इस एनर्जी के बारे में कुछ और ही पॉइंट लिख देते हैं। ये जो एनर्जी होता है ना, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो फोटोन कहाँ से जा रहा है इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा। डॉपलर इफेक्ट बाकी है ना, डॉपलर इफेक्ट वेव में हम लोगों ने किया होगा। अच्छा, वेव को हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें डॉपलर इफेक्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, इन केस यू रिमेम्बर, और उसमें रिलेटिविस्टिक का फॉर्मूला बताया था, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और उसको वेव को आप रिवाइज करोगे वहाँ पे मिल जाएगा डॉपलर हम लोगों ने बात की हुई है। हाँ, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं, तो वी विल उसको भी कंसिडर कर लेंगे अगर वहाँ पर कवर नहीं किया। Further, you have written, is it like that the light is particle and wave at same instant of time as it behaves in accordance with the extent of form? हाँ, ये दोनों coexist करते हैं, wave nature as well as particle nature, they coexist, वो एक साथ होते हैं, depending upon हम किस तरह के purpose के लिए use कर रहे हैं, कौन से experiment में है, उसका वो characteristic हमारे use में आते हैं, इसीलिए तो इसका नाम dual nature बोला है। That means आप इनमें से किसी एक को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पार्टिकल नहीं है, वेव है, या वेव नहीं है पार्टिकल है। सो इट हैज बोथ द करेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, और कौन सा करेक्टरिस्टिक वहां पे लगना है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पांस देता है। सो बोथ कोएग्जिस्ट।
फर्दर फोटोन की एनर्जी के बारे में ये पॉइंट हो गया। कई बार अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है वो आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आप लिख देता हूँ, एच एक नंबर है, दैट्स कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी होती है। सो एच की वैल्यू समथिंग लाइक 6.63 इंटू 10⁻³⁴ टाइप्स का कुछ होता है, और पेपर में वो मोस्टली आपको दिया जाएगा। बेटर है कि आप उसको याद रखो, याद रखोगे तो बराबर रहेगा। थ्री कई बार इसको नॉर्मलाइज करके टू भी लिखते हैं, तो आप 3-2 जो भी लिखते हैं उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। पॉइंट इज 10⁻³⁴, दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर होता है ये ऐसा यूनिट में। सी की वैल्यू अपने को पता रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चैप्टर में आप देखोगे कई बार HC आता रहेगा, और कई बार इन नंबर्स को हमको डील करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, कपल ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट कि आपको पता चले कौन कौन से टर्म बार बार आते हैं और उनकी वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो दैट एग्जाम में आप उनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एच रखोगे, सी रखोगे, वेवलेंथ भी दिया जाएगा, तो कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है। सो जस्ट टू हेल्प फॉर दैट पर्पस, एस सी की जो वैल्यू होती है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, और जनरली आपसे जो एनर्जी पूछेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछेगा, तो आप एस सी की जगह आप यूज कर सकते हो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। द ओनली थिंग इज की वेवलेंथ को आपको एंगस्ट्रॉम में रखना होगा, ये काफी पॉपुलर रहता है और ये इसी को आप यूज कर लोगे। सो आपको अगर वेवलेंथ बता दी जाए फोटोन की या फिर लाइट की, तो आप इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें अपना आंसर आ जाता है। सो 12,400 एक पॉपुलर नंबर है, उसको आप यूज कर सकते हो। गॉट इट। अच्छा, इसके बारे में कुछ मैं बोलना चाह रहा था, उस पॉइंट को मैं पहले कैरी करता हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आगे देखोगे बहुत सारे फॉर्मूलाज में आपको कैलकुलेशन आएगी, तो आप कपल ऑफ क्वेश्चंस करो, वो कैलकुलेशन में सेटल हो जाओ, सो दैट एग्जाम में सिंपल से सिंपल फॉर्मूला आपके पास रहे और आप वहां पर आंसर दे सको। ये जो एनर्जी होती है एक फोटोन के पास होती है, और ये केवल सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पर नहीं। सो दिस एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। फोटोन एनर्जी does not depend on medium. वो छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कब ट्रैप करने के लिए वो यूज कर सकता है। आपसे ऐसा बोलेगा कि देखो एनर्जी का फॉर्मूला फोटोन के पास जो होता है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और एक बार वो फोटोन हमारा एयर में चल रहा था, मतलब एक सोर्स था, वहां से लाइट आता है, पहले एयर से जा रहा है फिर वाटर में इंटर करता है। तो अगर एयर में उसका एनर्जी इतना है पर्टिकुलर अमाउंट का है, तो वाटर पे कितना होगा ये आपसे पूछेगा। आपको देख करके लगेगा इसमें वेवलेंथ आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है, तो फिर आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। बट यू नीड टू बी केयरफुल कि इसमें वेवलेंथ के साथ हमने लाइट का स्पीड भी तो यूज किया, लाइट का जो स्पीड था उसको भी तो यूज किया है, तो मीडियम चेंज होने से स्पीड भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होते हैं, बट इस तरह से चेंज होते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। सो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है जो फोटोन एनर्जी है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सो अगर किसी लाइट सोर्स से फोटोन निकला है, तो वो नो मैटर किस मीडियम से प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके पास एनर्जी वही रहेगी जो सोर्स से निकलने के टाइम पे थी। सो मीडियम के बदलने से एनर्जी नहीं बदलती है, तो यहाँ पर वेवलेंथ दिख रहा है लेकिन स्पीड यूज हो चुका है, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। बी केयरफुल, वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। सो एनर्जी रिमेंस फिक्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आप ये लिख सकते हो फर्दर इसको जस्टिफाई करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, वी हैव रिटन इट एंड टाइम। However, velocity and wavelength depends.
तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट या थ्योरेटिकल पॉइंट बना करके आपसे पूछ सकता। सो व्हाट टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि लाइट कुछ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, उन पैकेट्स का नाम हम लोग फोटॉन्स देते हैं, और एक फोटोन के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी होती है और वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब एक सोर्स से आने वाले सारे फोटॉन्स के पास सेम एनर्जी होती है, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पता हो तो हम उस लाइट की टोटल एनर्जी बता सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके हम बता सकते हैं। सो इस पर बेस मैं आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सो दैट आप इसको यूज कर पाए, फिर आगे की स्टोरी बताते हैं। बेसिक्स है, लेट्स से अगर आपसे ऐसा पूछता है कि इफ अ लाइट सोर्स इमिट्स 10^6 फोटॉन्स पर सेकेंड, देन फाइंड पावर ऑफ सोर्स, अपने को गिवन है कि जो लाइट यूज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, लेट्स वेवलेंथ हम लोग ज्यादा यूज टू रहते हैं, 500 5000 एंगस्ट्रॉम है। सो आपको ये बताता है कि एक लाइट सोर्स है आपके पास और वो पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 10^6 फोटॉन्स को इमिट कर रहा है। सो उस लाइट सोर्स की पावर कितनी रही होगी ये अपने को पता करना है, और जो लाइट इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ पता है कि वो लेट से 5000 एंगस्ट्रॉम का उसका वेवलेंथ है। जितना मैंने अभी बताया उसके बेसिस पे आप कोशिश कीजिए। मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता कि किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। आपने कुछ लिखा था, इफ वी ट्राई टू परफॉर्म रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग सेम लाइट एट सेम इंटेंसिटी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ विल बी सक्सेसफुल। ओके, हम लोग बात करते हैं। फॉर्मूलाज के लिए प्रीवियस स्लाइड है अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो। ओके, कुछ आंसर्स आना स्टार्ट हुए, 2.48 और 10^6, देन डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे, चलेगा। अभी आप लर्न कर रहे हो तो देखो किस तरह से हमको हैंडल करना है, समझना है। पूछा कि उसने आपसे क्या डिमांड किया है, डिमांड किया है पावर की। हम लोग जानते हैं पावर पी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, 10 वाट द पावर। सो अगर अपने को ये पता चल जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना है तो फिर वो पावर हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से एन, एन की वैल्यू है 10^6 फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छा, ये पावर को अगर और सिंप्लीफाई करें, यहां से फॉर्मूला भी बन जाएगा, फोटॉन्स के पास कितना एनर्जी होगा। फोटॉन्स के पास अगर लेट से एन नंबर ऑफ फोटोन है और एच सी वाई लेमडा की एनर्जी एक के पास है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट आई हैव रिटन, n is number of photons, so अगर n number of photons है हमारे पास और एक photon के पास एस सी अपॉन लेमडा की एनर्जी होती है तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी टी टाइम। आप अगर इसको ध्यान से लिखो देखो तो ये n by t लिखा हुआ है, that means number of photons per unit time into एच सी by lambda। So, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, पावर इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, पी फॉर पावर नॉट द मोमेंटम, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये पावर है, डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर एन याद रखना है, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। सो एक यूनिट सेकेंड में यानी पर सेकेंड में कितने फोटॉन्स इमिट होते हैं, तो स्मॉल एन इज नॉट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, it is number of photons per unit time, capital N was the number of photons, so capital N by T was small n। ab aapko power kabhi nikalna ho to aap isko use kar sakte ho, aur
पी की जो वैल्यू आएगी एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इज 10^6, एस सी की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आंसर जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ विच इज 5,000। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप वैट पे जानना चाहते हो तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का कैसे करते हैं वो भी बताता है आपको। सो दिस नंबर टर्न अप टू दी सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सो थ्री जीरोस कैन बी एडजस्टेड, सो इट विल बी लाइक 10^12 दिस बाय दिस इनटू यू कैन चेक द कैलकुलेशन 10^5 फर्दर टेकिंग इट इज गोइंग टू लाइक 2.48 into 10^6, एक जीरो को मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, डेसिमल लगा दिया था, तो दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड आया। ये जो आंसर आ रहा है 2.48 into 10^6 यूनिट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, कि किस यूनिट पर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में जा रहा है। अब चाहे इसको वैट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल। बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख दो या फिर ई है ई की वैल्यू रख दोगे तो ये कूलॉम में हो जाएगा। सो कूलॉम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सो अब आपको क्या करना है, फाइनली इस पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज दिस नंबर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वैट में आंसर आ जाएगा 2.48 × 10^6 इंटू 1.6 × 10^-19 जूल पर सेकेंड। जनरली आपको आंसर वैट में पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में पूछेगा तो यहाँ से बता सकते हो। ये नंबर आप एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वहां से अपने को पावर पता चल जाएगी। सो यू कैन चेक कितना जा रहा है, वही अपना आंसर आ जाएगा। पावर्स के टर्म में जाएंगे तो -13 के आसपास जाएगा और वहां से हम आंसर दे सकते हैं। सो पॉइंट इज कि अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मिल जाए और वेवलेंथ वगैरह पता हो तो हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल लाइट की एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट बिकम्स द पावर। और ये इस पॉइंट से रिलेटेड है कि एक फोटोन के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी होती है और वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, और बाकी ये सारे नंबर्स जो आप जानते हो। ये जो फोटॉन्स होते हैं वो फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे होते हैं, तो उसके बारे में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज भी कर लिया उस चीज को। फोटॉन्स मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, वो आप जानते हो कि लाइट है तो उसी की स्पीड से चलेगा, दैट मीन्स सी, दैट मीन्स 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इस वेलोसिटी से चलते रहते हैं और उसी के हिसाब से उनके पास क्या रहता है, एनर्जी रहती है। हाँ, ये जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम अफेक्ट करता है, क्योंकि आप जानते हो कि लाइट की स्पीड को मीडियम अफेक्ट करता है, लाइट की वेवलेंथ को मीडियम अफेक्ट करता है लेकिन फ्रिक्वेंसी को नहीं करता। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स समझेंगे फोटॉन्स के बारे में। सो लेट्स कैरी ऑन विद द फोटॉन्स। सो आपको ये पता चला कि एक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, एस सी बाई लेमडा आप यूज कर सकते हो उसके लिए। इन फोटॉन के पास मोमेंटम भी फिक्स होता है, लीनियर मोमेंटम। सो लिखेगा लैंग्वेज में तो ऐसा होगा, ईच फोटोन हैज मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं। वैसे भी आप जानते हो कि पार्टिकल्स जैसा है तो पॉइंट साइज की चीजों के लिए एंगुलर, यहाँ पर हम लोग लीनियर मोमेंटम यूज करें बेसिकली, ऐसा बोलना चाहिए। ईच फोटोन हैज मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। सो ये भी क्वांटाइज होता है, मतलब लेमडा फिक्स हो गया, एच तो फिक्स रहता है, तो हर पार्टिकल का, हर फोटोन का लीनियर मोमेंटम फिक्स होता है।
और अगेन नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से हम टोटल मोमेंटम बता सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक क्रक्स एक पॉइंट रहेगा जो अपने को समझना है, एनर्जी और मोमेंटम में एक डिफरेंस होता है अपार्ट फ्रॉम अदर डिफरेंसेस। एक ये डिफरेंस होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर अपने को दो लाइट देता है कि एक फोटोन इधर जा रहा था एक फोटोन इधर जा रहा था, तो बताइए कि मोमेंटम कितना रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग वेक्टर यूज करेंगे एडिशन निकालने के लिए, जबकि एनर्जी में हम सिंपली इस नंबर्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे। सो डायरेक्शन भी मैटर करेगी। जनरली क्या होता है, किसी सोर्स से लाइट जा रहा होता है, अगर वो एक डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा है तो सारे फोटोन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सारे फोटोन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके लीनियर मोमेंटम ऐड अप कर जाते हैं। और अदरवाइज आप अगर किसी और डायरेक्शन में, ऐसा भी बोल सकते हैं क्वेश्चन हाइपोथेटिकली कि आइडेंटिकल सोर्स थे और दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया, तो बताइए कि टोटल मोमेंटम कितना चल रहा है। ठीक है, तो आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे, वाई कंपोनेंट निकालोगे, वेक्टोरियल ऐड करोगे, जैसा आप जानते हो। हाँ, एच वाई लेमडा में कोई वेक्टर नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, दैट मीन्स लाइट प्रोपोगेशन। सो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन इज अलोंग द वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि उसका जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। लीनियर मोमेंटम एज अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर, वी नो, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक डेफिनेशन पता होता है कि इस तरह से समझते हैं, लेट्स अपने पास एक सोर्स है, ये सोर्स है लाइट का मे बी, और ये लाइट इमिट कर रहा, फोटोन इमिट कर रहा मे बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसा आइडियल कंडीशन ले रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अलग अलग डायरेक्शन देखेंगे तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सो लेट्स से इधर ये लाइट को इमिट करते हैं, दिस इज सम सोर्स। सो अगर ये इमिट कर रहा है, एंड लेट्स से फर्दर अपने को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि दिस इज एन फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, सो अगर एन फोटॉन्स इमिट करता है पर यूनिट टाइम, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि एनर्जी के पार्टिकल्स इसको लीव कर रहे हैं, और दूसरे टर्म में आप समझो कि यहाँ पर मोमेंटम इधर जा रहा है। सो क्या इनिशियली अगर आपने स्विच ऑन किया लिस्ट से, या फिर कोई फोटोन से यहाँ से निकला, तो उस फोटोन की वजह से पहले मोमेंटम जीरो था, सडनली मोमेंटम आया। अगर सडनली मोमेंटम आया, इसका मतलब मोमेंटम का चेंज हुआ है। जब कभी मोमेंटम का चेंज होता है तो फोर्स एक्ट करता है। इट्स जस्ट लाइक कि गन से आप बुलेट फायर करते हो, तो जब गन से बुलेट फायर करते हो तो बुलेट जब बाहर निकलता है तो उसके पास मोमेंटम आता है, तो उसके पास बेसिकली गन ने फोर्स लगाया होता है, ऐसा बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सो गन रिकॉइल करती है, सिमिलरली सोर्स भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साइड से मोमेंटम निकल रहा है। सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सोर्स, वो हम बता सकते हैं। सो फोर्स इफ, और ऐसा लिख सकते फोर्स ऑन सोर्स, मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे एक वॉल बना लो, उसको हिट करना स्टार्ट कर दो, लाइट उस पर इंसिडेंट होने लगे, तो इसका मतलब उससे फोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, फोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर वहाँ पे लीनियर मोमेंटम का चेंज आएगा। सो मैं सोर्स के बारे में लिखता, आप गोल के बारे में भी लिख सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट जिसको हिट करता है लाइट उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फोर्स ऑन सोर्स इफ n photons per second are emitted. If you try to relate it, तो जो आपने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स पढ़ा था ना, उन चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन से लिंक हो रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, और यहाँ पर मोमेंटम के बारे में हम लोग जानते हैं। d अपॉन डी टी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअस चेंज होता है, यहाँ पर ये फोटॉन्स पैकेट के फॉर्म में है, तो ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल टाइप के है, तो चेंज लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। नाउ यू कैन से कि लेट से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहा था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहा था डेल्टा टी टाइम में, और एक फोटोन के पास जो एनर्जी थी, एक फोटोन का मोमेंटम जो था वो h बाय लैम्डा था। व्हाट आई हैव रिटन, लेट मी टेल यू कि अगर हमारे पास कैपिटल n नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, सभी सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं,
तो टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाता है, एन एच बाई लेमडा, सो दिस वुड हैव बीन द टोटल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियली इट वॉज जीरो, फाइनली इट केम आउट टू बी दिस. सो जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट मीन्स दिस माइनस जीरो. हाउ लॉन्ग इट टोक, लेट्स से डेल्टा टी, सो डिवाइड बाई डेल्टा टी, सो दैट बिकम्स द फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. अगर उसको हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि n अपॉन डेल्टा टी अलग हो गया, ये मोमेंटम ऑफ वन फोटोन हो गया. n अपॉन डेल्टा टी वही है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, जिसको स्मॉल n बोला जा रहा है. सो बेसिकली फोर्स की वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं nh बाय लैम्डा. नाउ ये nh बाय लैम्डा हम तब लिखेंगे जब इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो रहा होगा. इनिशियल मोमेंटम जीरो रहा होगा. और अगर हम सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फोटोन पहले अंदर था, एनर्जी अंदर थी तो रेस पे रही होगी उसका, उसके पास एनर्जी, उसके पास मोमेंटम नहीं था. जब वो बाहर निकला तो मोमेंटम लेके निकला, तो इसका इस केस में इनिशियली जरूर जीरो रहा होगा. बट अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वॉल को हिट करता है, तो वॉल को अगर फोटॉन्स हिट करते हैं तो आप जानते हो हिट करने के बाद क्या हो रहा है, वो मैटर करता है. तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा. अगर सेम मोमेंटम से हिट जाता है, सेम मोमेंटम से वापस आता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस भी हो जाता है, यू नो दैट. तो एक टू का फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आपसे ऐसा बोलता है कि जो लाइट उस पर इंसिडेंट हुई वो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया इसका मतलब है कि उसके बाद फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया. फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम अब यही रहेगा, यानी फोर्स यही रहेगा. कई बार ऐसा बोलेगा कि कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हुआ बाकी परसेंट बचा हुआ है, तो आप उसी तरह से इनिशियल और फाइनल निकालेंगे, बता सकते हैं. इसको कॉपी कर सकते हो. तो मोमेंटम से हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी से पावर कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था पावर का, ये पी फॉर पावर था, लिख देता हूँ. एंड दैट केम आउट टू बी एन एच सी बाई लैम्डा, वेयर एन इज द नंबर पर यूनिट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम. सो ये रेडीमेड डेफिनेशन अपने काम आने वाली है. You must have got it. इसके बाद एक एग्जाम्पल इस पर भी करा देते हैं मोमेंटम पर, जिस तरह से आपने एक एग्जाम्पल एनर्जी पे देखा था. सो वो हेल्प करेगा आपको. केयरफुली आपको आंसर करना है. लेट्स से कि अपने पास एक सरफेस दिया जा रहा है, ये सरफेस है, और इस पर लाइट आपने इंसिडेंट कराया हुआ है. हम लाइट को वेव जैसा नहीं, फोटॉन्स आ रहे बेसिकली इस तरह से. एंड उसके पास लेट से फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, एचएफ पता है, ये फिर एफ पता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी. सो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ एन फोटॉन्स हिट इट पर सेकेंड and surface absorbs 50% photons and reflect rest. और वैसे भी अंडरस्टूड हो गया क्योंकि बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. एंड रिफ्लेक्ट्स रेस्ट. सो ये सिचुएशन आपको दिया गया है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने नहीं रखी, जस्ट फॉर कि आप कैलकुलेशन में स्टक ना करें, आप थिंकिंग पे ध्यान दें. सो अगर आपको एफ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आते हुए किसी सरफेस पे नॉर्मली, दे आर स्ट्राइकिंग नॉर्मली, हिट करते हैं, 50% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रेस्ट ऑफ द 50% रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा इस सरफेस में, उसका एक्सप्रेशन चाहिए. मैं आपको ऑप्शंस भी दे सकता,
लाइक मे बी पहला ऑप्शन एंड ओके आप निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ऑप्शन से आपको ज्यादा हिंट हो जाएगा. सो इनके सब रिलेट करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि जिस तरह से हम पार्टिकल्स को ट्रीट करते थे ना सिमिलर टाइप का कुछ ट्रीट कर रहे हैं. बस यहाँ पर हम मोमेंटम के लिए एम वी नहीं लगा रहे हैं, रादर मोमेंटम के लिए एच अपॉन एफ लगा रहे हैं. सो कैसे मोमेंटम के लिए एच बाई लैम्डा लगा रहे हैं, एच एफ फॉर एनर्जी होते हैं. So you can see the back side और आपको पता होगा कि momentum कैसा आ गया. या फिर आप ऐसे देख लो कि आपके पास एक सर्फिस था, उस सर्फिस पे momentum जा रहा था. कितना momentum जा रहा था, n h by lambda. Return कितना हो रहा है, return होने वाला आपको बताया गया कि वो let's say p1 था, p2 जो return हो रहा है that's going to be half क्योंकि n half हो जाएंगे. So n by 2 h by lambda, as simple as anything, right? सो आपको इंसिडेंट मोमेंटम आउटवर्ड गोइंग मोमेंटम दोनों पता चल गए. सो कैन वी से कि चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल व्हेन यू राइट इट लाइक वेक्टर. मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी वन प्लस पी टू. डायरेक्शन यू कैन असर्ट इन आई कैप जे कैप लगा करके भी. देन यूल फाइंड कि ये मोमेंटम चेंज हो गया और पर यूनिट टाइम, क्योंकि इसमें एन जो इन्वॉल्व है वो पर यूनिट टाइम है. ये बेसिकली मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, ये भी मोमेंटम पर यूनिट टाइम है. सो क्योंकि एन पर यूनिट टाइम में इन्वॉल्व था सो ये भी पर यूनिट टाइम हो जाएगा. तो बेसिकली फोर्स हो जाएगा. ये दिखाने के लिए आप ऐसा देख लो कि ये बाई टी था, ये भी बाई टी था, डेल्टा टी था या जो भी है, जिससे आपको ये रियलाइज होता रहे कि हम क्या लिख रहे हैं. तो ये भी हमारे लिए वही आएगा. तो बेसिकली ये जो नंबर आ रहा है वही आ रहा है. Now this called force, yes this called force. So force is going to be basically n h by lambda plus n by 2 h by lambda. So point is this force is going to be 3 n by 2 times h by lambda. That means momentum of one particle or one photon. Ab usko aap chaho to isse f se relate kar sakte ho. To agar f se relate karna chahoge to you can write it as like ki lambda ki value replace kar denge. So, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा. इसकी वैल्यू आएगी c अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा कैन बी रिटन एज c बाय f. सो दिस कुड बी रिटन एज 3n h c बाय f. इज दैट ओके? यस, h c बाय f. पर टू का फैक्टर भी होगा, एफ बाई सी होगा. कुछ कुछ गड़बड़ किया मैंने. हाँ, एन एच एफ बाई सी होगा. ये एफ को यहाँ पर हम, अच्छा लैम्डा को रिप्लेस करना था तो सी बाई एफ आएगा. ओके, उसको एनर्जी बाई सी भी लिखते हैं, वहां से भी मैच कर रहा था. एच एफ बाई सी आ जाएगा. और आप ये भी यह फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो मोमेंटम होता है दैट इज ऑल्सो रिटन एज ई बाई सी. सो आपको ई पता होगा, ई एच एफ होता है, सी से डिवाइड कर दोगे तब भी मोमेंटम एक फोटोन का निकल के आ जाता है ना, वो आपने करेक्ट कर दिया. एनीवे, सो पॉइंट इज कि ये 3 बाई 2 का फैक्टर आ जाएगा एन के साथ में और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कैलकुलेट करके बता सकते हो. नाउ ये अगेन सिंपलर केस किया मैंने. सिंपलर केस में क्या था कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा था, किसी एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे तो वो कॉस थीटा साइन थीटा वर्जन आप जानते हो. अपने को परपेंडिकुलर, क्योंकि जो फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मली नॉर्मल फोर्स होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर चेंज चाहिए होगा. सो चेंज इन मोमेंटम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन. सो काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स है उसको आप यूज कर सकते हो. सो अल्टीमेटली वी गॉट टू नो कि जो एक फोटोन के पास मोमेंटम होता है वो एच बाई लैम्डा होता है. और इसी को आप चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो कि जो मोमेंटम होता है वो ई बाई सी होता है, क्योंकि अगर आपने सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो एच सी बाई लैम्डा आपका ई बन जाएगा.
उस तरह से लिया था उसको। अब ई कैलकुलेट करना हमारे लिए कई बार आसान होता है, सी से डिवाइड करो मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है फोटॉन्स के लिए वो ई बाई सी या फिर एच बाई लैम्डा होता है, एम इंटू वी नहीं होता है, जो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था एम वी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसका मास जैसा कुछ प्रॉपर नहीं होता है जैसे पार्टिकल्स का होता है। सो इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एम इंटू सी के बराबर हो जाएगा जहाँ सी की वेलोसिटी है, तो एम हमारे लिए थोड़ा सा इशू बनाएगा। हालांकि उसको हम बाद में रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम ये समझते हैं कि ई वाई सी रहेगा और वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। सो फोटोन के बारे में इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, अबाउट इट्स मोमेंटम, एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं उसके मास के बारे में। हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं इसी स्लाइड पर, अनलाइक द मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल हो उसके पास न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर वो एटम फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, फिर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। फोटॉन्स ऐसा नहीं है, फोटॉन्स के पास कोई भी इस तरह से पार्टिकल्स नहीं होते, तो उसके पास कोई चार्ज भी नहीं होता है, कोई मास भी नहीं होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता है। मास को एनर्जी से रिलेट करते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम फोटॉन के फ्रेम में जाएं, फोटॉन के फ्रेम में जाएं, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें और फिर फोटॉन को देखें, तो फोटॉन हमको रेस्ट पे नजर आएगा। लेट से ये आपका फ्रेम था जो कि सी स्पीड से जा रहा था, फोटॉन भी सी स्पीड से जा रहा था। सो इसी के फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो आपको ये रेस्ट पर नजर आएगा। जब आपको ये रेस्ट पर नजर आएगा ना, उस मोमेंट पर आप इसका वेट मेजर करोगे, मास मेजर करोगे, तो वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, दैट्स नॉट अ पार्टिकल। सो उसको बोलते हैं रेस्ट मास। सो रेस्ट मास इनका जीरो होता है, तो जितने भी फोटॉन्स होते हैं सभी का रेस्ट मास जीरो होता है। सो वी से रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। सो उसके पास कोई रेस्ट में मास नहीं होता है। डायनेमिक कंडीशन में उसको मास मिलता है, वो रिलेटिविस्टिक मास होता है, उसकी वजह से आता है। और वो इस वजह से आता है कि e की वैल्यू mc स्क्वायर होती है और वो जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको मास के इक्विवेलेंट हम बोलने लगते हैं कि कितना मास आ रहा है। सो अगर कभी हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास की जो वैल्यू होगी e अपॉन c स्क्वायर जैसी रहेगी। बट रेस्ट मास कैसा रहेगा अपना? जीरो रहेगा। चार्ज कैसा होता है? जीरो होता है। इसका मतलब है कि जब फोटॉन्स चल रहा होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करो, कुछ भी ऑन करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास कोई चार्ज नहीं है। सो तो उसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड, अफेक्टेड भी लिख दो या डिफ्लेक्टेड लिख दो, अफेक्टेड लिख देते हैं इन जनरल टर्म। फोटोन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो उनके होने ना होने से फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चार्ज पार्टिकल रहा होता देन यू सी कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है देन इट विल बी लाइक कि वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो अपना पाथ बदल देगा। और यही रीजन है, आप देखो जब हम सुपर पोजिशन कराते हैं या फिर एक लाइट रे को इधर हमने भेजा और दूसरे लाइट रे को इधर भेजा, तो यहाँ पर जब फोटोन्स निकले थे ना, तो एक दूसरे को इन्होंने इफेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बात उनके पास कोई मास नहीं था, तो कोई कोलिजन जैसा कुछ नहीं हुआ, चार्ज भी नहीं था, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, उसने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ही नहीं किया और वो अनअफेक्टेड एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। दे आर एनर्जी एंड दिस एनर्जीज आर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। और ये कैसे, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। लेट से आप दो टॉर्च लेते हो, एक टॉर्च इधर लगाते हो, एक टॉर्च इधर को फोकस करते हो, आप देखोगे कि ये जो टॉर्च था उसका लाइट यहाँ पर आएगा, इस वाली टॉर्च का लाइट इधर पर आएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेकर के देख सकते हो। सो अगर आपने ये रेड लिया था तो इधर रेड आएगा, यहाँ पे ब्लू लिया था इधर ब्लू आएगा, तो ब्लू और रेड एक दूसरे को क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करने से अफेक्ट नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। सो दे क्रॉस ईच अदर एज इफ दे आर नॉट देयर। सो ये वेव में भी आपने सीखा इंटरफेरेंस के लिए, और पार्टिकल्स में भी ये जस्टिफाई हो रहा है कि किस तरह से पार्टिकल्स होते हुए भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। द सिंपल रीजन बीइंग दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय द फील्ड्स, नाइदर दे हैव एनी मास, सो दे आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, राइट? सो यस सर, देन हाउ डू दे हैव मोमेंटम इफ दे डोंट हैव मास? यस, यू सी द मोमेंटम, Momentum expression does not contain mass.
okay, if you are asking very fundamental question कि ये formula कहाँ से आया, तो उसके पीछे काफी कुछ और अपने को देखना पड़ेगा. ये जो packet के form है, ये quantum theory of light है या फिर radiation है. जो quantum theory है, that is very different from the original theory. That's why the topic name is what? Modern physics. That means here some points are coming which are very different from the classical one. उस physics से different है जिस physics को हम लोग अभी तक पढ़ते आए. So क्या क्या different आ रहा है उसी points को मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ, और कौन कौन से पॉइंट अपने रिलेटेड हैं उसके बारे में उसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ. अब अपने को याद रखना है कि ये पॉइंट डिफरेंट है और कहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और ये नए कॉन्सेप्ट्स कैसे क्रिएट हुए हैं वो सारा उसका फंडामेंटल पार्ट यहाँ पर है. सी लाइक कि ये पार्टिकल ही है जो काफ़ी स्ट्रेंज पार्टिकल है, जैसा अभी तक हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जिसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया. एक ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं मिल करके बना हुआ है. सो ऑफकोर्स उसकी अपनी डिफरेंट स्टोरी है, और उसके बारे में पता किया गया है. लाइट हम लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं, लाइट वेव है, उसके पास एनर्जी मोमेंटम होता है, और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि उसका मास भी नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहा है, चार्ज भी नहीं है, फिर भी मोमेंटम डिफाइन करना है तो कैसे बनता है. सो फिर ये जो ब्रैकेट में लिखे गए स्टफ है ये आइडेंटिफाई किए गए, और इससे अपने को पता चला कि एनर्जी SC/λ है और मोमेंटम ये है, और ये जो मोमेंटम है वो एनर्जी मोमेंटम आपस में लिंक है, पैकेट्स के फॉर्म में रहते हैं. एक फोटोन की अपनी स्टोरी है. क्या होता है ना, जब हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था तो पहले पार्टिकल के बारे में पढ़ा था कि पार्टिकल होता है, उसका साइज जीरो के आसपास होता है, उसका मास होता है, वॉल्यूम भी मेजर कर सकता है, चार्ज भी मेजर कर सकता है. अब मॉडर्न पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसमें हम जो लाइट में रेडिएशन में पार्टिकल यूज कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या है, तो फोटोन्स के फीचर्स समझ रहे हैं. जैसे पार्टिकल में हम लोगों ने एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कैसे याद किया था, ½mv², isn't it? Now we are learning कि फोटोन के पास एनर्जी आएगी तो हम लोग ½mv² नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, HC/λ. सो इस तरह से इसके जो नए पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग समझ रहे हैं. ये पॉइंट्स कैसे आते हैं, इनके डेरिवेशन कॉन्सेप्ट लिंकेज कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, और बट उनके डेरिवेशन अपने लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं है, टाइम टेकिंग है, बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स अपने को एज अ बेसिस समझना है. यस, वांट टू से समथिंग एल्स सर? मतलब इसमें बस फॉर्मूले ही समझना है कि थ्योरी में भी डीप समझना है ये चैप्टर के लिए? हाँ, पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स समझने हैं कि ये होता क्या है और ये फॉर्मूलाज क्या है. ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, फॉर द टाइम बींग आप इसको साइड पे रख सकते हो. ये फॉर्मूला होते हैं, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, और इनका फिर एप्लीकेशन, इनके बाद जो डेरिवेशन या एप्लीकेशन आएंगे, इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आएगा उस पर फोकस करना है. इस जस्ट लाइक कि आपको 1, 2, 3, 4 सिखाया जा रहा है, देन एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो आगे बताया जाएगा. एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग कि हाउ दिस 1 केम, देन व्हाई वी आर राइटिंग 2, देन व्हाई नॉट 3 फर्स्ट एंड समथिंग लाइक दैट. सो ये बेसिक एस्पेक्ट्स है उसके, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मास के बारे में, क्योंकि आपको मास समझना होता है, चार्ज समझना होता है जो कि वेरी इंट्रिंसिक होते हैं, फोर्स समझना होता है, मोमेंटम जानना होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, या एनर्जीज के बारे में पढ़ना होता है, पावर, इंटेंसिटी, इन सब पॉइंट्स को समझना है. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं ऑफकोर्स, बट अपने लिए जो यूज में आने वाले पॉइंट्स हैं वी आर हैविंग अटेंशन ऑन दैट. सो क्रक्स पॉइंट एनर्जी पैकेट होती है, मोमेंटम ये होता है, और उससे हम फोर्स पावर रिलेट कर लेते हैं, और ये इक्वल टू MC² बहुत पॉपुलर स्टोरी है, और ये बोलता है कि एनर्जी मास में, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, जो कि क्लासिकल बिल्कुल नहीं एग्री करता है. आपने देखा ना कि आपके पास एक लेट से ये एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, लेट से ये 10 kg का था, ये ब्रेक हुआ, एक अगर आपको 6 kg का मिला तो दूसरा हम बता देते 4 kg का होगा, तो ये क्लासिक में ट्रू होता है, मॉडर्न में ट्रू नहीं होगा. मॉडर्न में ये मास अलग अलग हो जाएंगे, क्यों, मास इस बात पर भी डिपेंड करते हैं किस वेलोसिटी से चल रहा है. सो मास कंजर्वेशन हो जरूरी नहीं है, एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन होता है, क्योंकि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है. और ये इक्वल टू MC² इसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है, काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है, लेकिन उसके लिए अपने को मॉडर्न के कुछ और भी कॉन्सेप्ट जानने होते हैं तभी हम बता पाएंगे, और काफी कुछ क्लासिक से भी लिंक है. देखो जैसे फोर्स की डेफिनेशन है, that's valid, F is equal to delta P by delta T, we are using that.
Similarly, power ki definition, energy per unit time, we are using that. So that means these are very basic definition which are valid in classic as well as in modern. ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा और ये जो वेक्टर्स कंपोनेंट्स वो भी आपको समझ में आ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं तो फोटोन के बारे में आपको बेसिक पॉइंट्स पता चला कि लाइट को हम कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स ट्रीट कर सकते हैं और जहाँ पर फोटॉन्स कुछ ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स हैं जिनका मास जीरो होता है, जिनके पास चार्ज नहीं होता है, जिनके पास मोमेंटम फिक्स्ड होता है, सोर्स से डिपेंड करता है, एनर्जी फिक्स्ड होती है जो कि सोर्स डिसाइड करता है और उसके बेसिस पर ये स्टोरी आगे बढ़ती है. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर एक सोर्स से लाइट हम लोग एमिट कर रहे हैं, लाइट पहले एयर से जाती है फिर वाटर से जाती है, तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस कुछ ऐसे देगा, एनर्जी विल रिमेन द सेम, एनर्जी विल चेंज, मोमेंटम विल रिमेन द सेम, मोमेंटम विल चेंज. कैन यू आंसर बोथ और नन और समथिंग लाइक दैट? सो इन केस लाइट सोर्स से लाइट निकल करके एयर के थ्रू वाटर पे जाती है, दोनों मीडियम में एनर्जीज को कंपेयर करना है, मोमेंटम को कंपेयर करना है. एनर्जीज को कंपेयर करना है, मोमेंटम को कंपेयर करना है. बस आपको चेंज बताना कि वेदर देयर विल बी चेंज और नॉट. इंक्रीज डिक्रीज तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे. हाँ, सो थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, उसी के बारे में रिलेट कराना चाह रहा था, क्योंकि मैंने एनर्जी को हाईलाइट कर दिया था. आपने नोट्स में भी लिख लिया होगा कि फोटोन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन अ मीडियम. दैट मीन्स अगर वो एयर से वाटर, वाटर से लिक्विड और वाटर से किसी एल्कोहल और समथिंग जहाँ भी जा रहे उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी. व्हाट अबाउट मोमेंटम? क्या मोमेंटम भी नहीं बदलेगा? तो चेक करो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है. मोमेंटम होता है एच अपॉन लैम्डा. Now you see कि वेवलेंथ बदलता है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है वो बदलता नहीं है. तो आप पाओगे कि एनर्जी विल रिमेन द सेम, मोमेंटम हैज टू चेंज. यस, तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखेगा तो आपको फॉर्मूला याद रख. जैसे उसने मोमेंटम बोला है, यूनिट रिमेंबर दिस. फिर मीडियम डिफरेंस है तो आप देखो इसमें जो इन्वॉल्व है क्या वो मीडियम पर डिपेंडेंट है. फिर आप बोलोगे एच, यस दैट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम. लैम्डा, यस दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. So P must depend on the medium. What about energy? Energy में भी S by lambda नजर आ रहा है. फिर आपको याद होना चाहिए H F भी है, F frequency है, frequency केवल और केवल medium पे source पे depend करता है. Yes. So आप वहाँ से बता सकते हो कि energy will, so final answer will be energy will not change, momentum will change. Increase करेगा, decrease करेगा वो भी बता सकते हैं wavelength को change check करके, क्योंकि wavelength हमारा ऐसा कुछ हो जाता है mu ऊपर आ जाएगा या फिर जो भी है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम बता सकते हैं कि मोमेंटम की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ रहा है. सो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स के बेसिक्स क्या होते हैं, अब हम लोग जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उस पर लाइट डालेंगे. दैट मीन्स उसको पढ़ेंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एग्जाम में ऑलमोस्ट श्योर एक क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट, और बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और छोटा भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको एक बार बताता. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में बताया जाएगा, उस पर भी रहता है. कई बार लोग इसको PEE करके लिख देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट में. ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से बुलाते रहेंगे. और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर को इलेबोरेट करके बताता है. तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होता है, किस नेचर के बारे में बात कर रहा होता है. क्या ये वेव नेचर को एक्सप्रेस कर रहा होता है, या पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस कर रहा होता है, या दोनों को एक्सप्रेस कर रहा होता है, या किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता है. तो हम बोलेंगे ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस करता है. इस कॉन्सेप्ट से हम ये लर्न करेंगे कि यस, जो फोटोन की थ्योरी हम लोगों ने अभी बनाई है, अब समझा है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये
इसका एक्सपेरिमेंट हम इसका एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली होता है. सो इफ वी आर एबल टू गेट सम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड टू एक्सप्लेन दैट रीजन वी नीड टू कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल नॉट एज अ वेव. तो ये ऐसा भी बोलता है कि ये बेसिकली यहाँ तक पहुंच जाता है कि ये लाइट वेव जैसा काम नहीं करती है, पर्टिकुलरली इस एक्सप्रेशन के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए लाइट को पार्टिकल ही होना पड़ेगा. सो यहाँ से अपने को पता चलेगा लाइट जो है वो वेव नहीं हो सकती है, या फिर ऐसा बोलो लाइट पार्टिकल ही होगा, ऐसा कह सकते हैं. और डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, पोलराइजेशन, इन्होंने बता दिया था कि लाइट वेव ही है. उधर से वेव पता चला, यहाँ से पार्टिकल पता चला, दोनों एक दूसरे से दोनों का स्टैंड फर्म था, इसलिए डुअल नेचर नाम देना पड़ा. नाउ क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं. पहले आप मेरे को ये बता दीजिए केमिस्ट्री में हो गया है या नहीं. अगर सभी का अगर हो गया है तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे जाता, नहीं हुआ है तो मैं बेसिक पार्ट पे जाता, अकॉर्डिंगली टाइम को एडजस्ट करता. हो गया है, नहीं मिक्स तो नहीं होना चाहिए, आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं. हाँ तो हो गया है, तो फिर अगेन आई विल टच द बेसिक्स बट वोंट स्पेंड टू मच टाइम देयर, एक्सपेक्टिंग कि आप उसको रिलेट कर पाओगे. फिर भी पहले तो इसको बता दे कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझाता है, देन आफ्टर उसको वर्ड्स में फीड कर देंगे. सी अगर अपने पास कोई मेटल है, मेटल का ब्लॉक लिया या ऑब्जेक्ट आपने लिया, मेटल में क्या रहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, वो रोम अराउंड करते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टाइट नहीं है, इनफैक्ट ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं. सो दे आर इनसाइड द मटेरियल, तो मटेरियल पर है लेकिन बाउंडेड नहीं है. मोर ओवर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सरफेस पे पाए जाते हैं. हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस पे पाए जाते हैं. सो ये फ्री चार्ज है, किसके बारे में बात करें, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे बाउंडेड है उसको तो न्यूक्लियस अच्छे से अपना ऑर्बिट पे रखने के लिए फोर्स दे रहा है. अगर आप इस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हो, लाइट को, सो बेसिकली लाइट को इंसिडेंट कराने का मतलब है आप फोटोन से बम्बार्डिंग कर रहे हो, फोटोन्स को भेज रहे हो. सो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा जाके सरफेस पे. तो जब कभी फोटोन, फोटोन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट, रेडिएशन ऑफ पार्टिकल, किसी मटेरियल पार्टिकल से मिलता है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है, तो यहाँ पर बेसिकली दो पार्टिकल्स का मीटिंग, जिसमें एक स्पेशल पार्टिकल है, दूसरा मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है. इनके मीटिंग में क्या होता है, इनके मीटिंग में आपने देखा तभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्कैटरिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है, ये फोटोन जो है दैट विल बी गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको केवल इलेक्ट्रॉन मिलेगा. फोटोन चला गया, कहाँ चला गया, फोटोन वॉज एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी हैज बीन टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इलेक्ट्रॉन विच वॉज इनसाइड गॉट सम मोर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और जैसे इसके पास ये एनर्जी आया, नाउ इट बिकम्स डायनेमिक. वैसे भी ये रोम कर रहा था, न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं था, फिर भी अब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ भी गया है, तो जो मटेरियल इसको बाउंड किए हुए था उन बॉन्डेज को ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा. सो अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटालिक सरफेस पे, तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं. Now we can remove the electrons from the material by making the light falling on it. That's a big deal. That means light को incident करके हम electrons को बाहर निकाल सकते हैं, किसी metal का weight कम करा सकते हैं. फिर इसके बाद हम electron को इसको read करेंगे, कितने electrons क्या आ रहे हैं. तो ये जो phenomena है जिसमें photons को incident करा करके electron के ऊपर हम उसको material से detach कराते हैं,
इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन टुगेदर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विच हैज एब्जॉर्ब द फोटॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाता है. फिर इसको हम लोग करंट में कन्वर्ट करेंगे, करंट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, और वी विल मेजर कि हमारी करंट किस तरह से लाइट पर डिपेंड करती है, लाइट को हम बदलते हैं तो करंट पर क्या फर्क पड़ता है. इस तरह के बहुत सारे डीप पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं. बेसिक आइडिया इज दिस. इसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये पार्टिकल नेचर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो वो पॉइंट्स भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसके कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे. You wrote something, why can't we say that wave provided the energy since wave also transmits energy. Yeah, so that's what I'm going to explain you guys, so that ki wave or particles may differentiate create ho. So over that time I explain karta hu, kyunki uske laws hai, jab hum log laws likhenge sath sath usko explain karte rahenge, then you will find ki ye particle nature ko hi promote karega, wave ko nahi. So now having understood ki kya concept hai, main iske liye इक्वेशन या फिर थ्योरी या फिर आप ऐसा बोल लो कि डेफिनेशन बना था, पिक्चर को इसी को यूज कर लेता हूँ. सो कुछ पॉइंट्स होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको समझना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सो उसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन लाइट ऑफ sufficient frequency. ये sufficient frequency का मतलब क्या हुआ, sufficient general term में लिखा, कोई particular नाम नहीं है. sufficient मतलब एक level से ऊपर. So उसी को मैं bracket में लिख देता हूँ, when light of sufficient frequency, that is frequency above a particular value. So, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को आप इंसिडेंट कराते हैं, सो लेट मी कंप्लीट इट. व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन, और भी प्रेसाइज लिखे तो देन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, और ऐसा लगे देन फ्री इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल. सो दस दस पॉइंट कि अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का, देन यू विल फाइंड कि मेटल से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. दिस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. So whenever you have this kind of experiment can be seen in the laboratory, and you can incident make the light incident on a surface, you'll find electrons will be coming out, and then this is going to be the case. Now इसके कुछ crux points हैं, उनके उसको थोड़ा सा और highlight करता. अगर आपने light incident कराया तो क्या electrons guaranteed है बाहर आएगा? बिल्कुल guarantee नहीं है. क्यों guarantee नहीं है? क्योंकि आपको frequency का ख्याल रखना है, एक frequency के ऊपर लेकर के जाना है. उससे अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला तो आप नो मैटर कितना भी लाइट आप डाल दो, कितना भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, कभी बाहर नहीं आएगा.
और ये हेल्प करेगा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए. तो उस पॉइंट पे भी मैं लिख देता हूँ ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है. सो अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, इजंट इट? सो दैट पर्टिकुलर, इसी लैंग्वेज में पूरा कर देता हूँ, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर अपने को फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, सो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे जिसके ऊपर अपने को लाइट को इंसिडेंट कराना है. और उसको हम लोग सिंबल वाइज एफ नॉट लिख देंगे कि एफ नॉट ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको डालना है, अचीव करना है, तो एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट. अगर f की वैल्यू f नॉट से कम हुआ या बड़ा नहीं हुआ, तो फिर आप पाओगे कि फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. सिमिलरली इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में बात कर सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात किया. नो किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होता होगा उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स में लिख सकता हूँ. तो बेटर होगा कि उसके लिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो वो बताएगा कि किस तरह से बाहर निकलता है. Laws of photoelectric effect. दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स अपने को याद रखना है. सारा इसका जो आगे का स्टोरी है वो उन्हीं पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा और दे विल बी एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इमिट होते हैं लाइट को इंसिडेंट कराने से और क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं. सो मैं एज अ पॉइंट लिखता, जब कोई पहला पॉइंट तो ये कि आपको लाइट एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेंगे. तो उस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर देता हूं. इफ incident frequency is more than incident frequency का मतलब आप समझ रहे हो कि light जो incident हुई है उसकी frequency. So if incident light frequency ऐसा भी लिख सकते हैं is more than the threshold फ्रीक्वेंसी. इसको अगर वेवलेंथ पे पढ़ना होगा तो इसका उल्टा बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. सो अगर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है वेवलेंथ हमको एक वैल्यू से कम चाहिए. तो कई बार वो वेवलेंथ के टर्म में बोलेगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इफ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और wavelength is less than the threshold wavelength. Then only electrons will be emitted. इसका मतलब हुआ कि अगर उससे कम हुआ या फिर उस रेंज से बाहर हुआ, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं. नो मैटर आप कितना लाइट रेस, कितनी देर तक लाइट रेस इंसिडेंट कराएं, कितनी भी लाइट रेस इंसिडेंट कराएं, ये उस पॉइंट को रिजेक्ट करता है कि लाइट वेव होगा. कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता. आपको पता है कि वेव के पास एनर्जी होती है और ये इलेक्ट्रॉन है. अगर आप इस
पे वेव को इंसिडेंट कराते रहते। तो कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि इसकी एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ब्रेक होने के लिए वो उसके पास आ जाती, तो फिर ये बाहर निकल आता। लेकिन यहाँ पर इसको बाहर निकलने के लिए कितनी देर तक लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहे हैं। मैटर ये कर रहा है कि क्या जो एनर्जी फोटोन के पास थी जिसको इसने अब्सॉर्ब किया, क्या उस फोटोन के पास एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा थी या नहीं। अगर थी तो बाहर आएगा, नहीं थी तो ये फिर बाहर नहीं आएगा। अगर ये वेव रहा होता तो अगर एक फोटोन के पास उतना एनर्जी नहीं था या फिर एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं रहा होता तो ओवर द टाइम इसके पास बहुत सारी एनर्जी अकोमोलेट हो जाती, तो कभी ना कभी बाइंडिंग एनर्जी को क्रॉस कर रही होती और तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होता, जो कि इसके साथ बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब लाइट वेव नहीं हो सकती है, लाइट को पार्टिकल होना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक पहला इंपॉर्टेंट लॉ था, कॉपी कर सकते हो। दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम थ्रेशोल्ड से ऊपर ज्यादा फ्रिक्वेंसी यानी एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी डालते हैं तभी वो बाहर आता है, अदरवाइज वो बाहर नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और अगर एनर्जी सफिशियंट मिलती है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता, यू कैन से दैट्स नेक्स्ट लॉ टाइप ऑफ थिंग। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो ये इमीडिएटली निकलता है, इंस्टेंटेनियस। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी देर वेट करेगा कि दूसरा और फोटोन आए और लाइट आए और लाइट आए और लाइट आए बहुत सारी लाइट आए तो आपके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे तो बाहर निकले। नो, इजेक्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। दैट मीन्स एज सून एज फोटॉन्स मीट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली कम्स आउट। सो दिस ऑल्सो सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर। So ejection of photoelectron is instantaneous phenomena. Instantaneous phenomena. ये भी इस बात को बताता है कि वेव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वेव रहा होता है, ये आपका पार्टिकल था, लाइट आप यहाँ पे डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी एक्युमुलेट करके आराम से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसको निकलने के लिए बाइंडिंग एनर्जी को तो ब्रेक करना है, ओवरकम करना है। तो अगर ऐसा रहा होता तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन काफी देर बाद भी निकल रहे होते। आप पाते हो कि जब एक्सपेरिमेंट देखते हो तो आपने जैसे ही फोटोन गया इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फोटोन गया इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अगर उसको आना है तो, नहीं आना है तो नो मैटर कितनी देर तक आप लाइट को डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। So that also says ki it has to be a particle. Further, we can say ki do terms ke bare mein log baat karenge. Abhi jab ye electron bahar niklega, to iske paas kinetic energy bhi hogi. Depending upon uske paas kitni energy thi. Energy equation abhi hum log likhne wale laws ke baad. So agar rough sense mein baat karein to kuch aisa hota hai ki बेसिकली आपने कुछ एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को और उस एनर्जी का कुछ पार्ट वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में लगाता है, और अगर जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इससे बड़ा था तो फिर वो ब्रेक करके बाहर निकलेगा। अगर हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से कम पड़ गई तो इसका मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा, अंदर रहेगा। सो इन केस हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो फिर ये एनर्जी ज्यादा रहेगी इसके बाइंडिंग एनर्जी से लेकर के, या बाइंडिंग में वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, जो भी वो इनसाइड में बंधा हुआ है, मेटल ने उसको अपने अंदर रखा हुआ है, तो कोई ना कोई एनर्जी या फोर्स से उसको अपने अंदर बांध के रखा हुआ है, उसको ब्रेक करना है। सो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी विल बी यूज टू मेक इट फ्री। सो इलेक्ट्रॉन अपने आप को मेटल से फ्री होने के लिए कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को यूज कर ले जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट ऑफ एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। सो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो गया होगा उसको ब्रेक करने में। नाउ ये जो एनर्जी बाहर आती है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि कितना एनर्जी बाहर आती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कितने फोटॉन्स आप डाल रहे हो ना, कितने फोटॉन्स डाल रहे हो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक फोटोन के पास कितना एनर्जी थी। दैट मीन्स
जो कि लॉजिकल है, अगर एक फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको, और अगर एक फोटोन के पास कम एनर्जी होगी तो कम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो पॉइंट इज कि अगर इस काइनेटिक एनर्जी का नाम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं फॉर द टाइम बीइंग. मैक्सिमम इसलिए, मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि जितना इसको ब्रेक करने में लगा केवल वही एनर्जी वेस्ट हुई और कहीं वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वेस्ट होने के कई सारे चांसेस हैं. ये इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता, बाहर निकलते टाइम कुछ और भी इसके साथ हो जाता, तो कुछ एनर्जी वहां पर वेस्ट हो सकती है. अगर कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, और वो जो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी होगा उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोलते हैं, कि मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है उसके बारे में बताएगा. सो अगला लॉ कुछ हमको ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएगा. दैट मीन्स ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी, बेसिकली एनर्जी. So, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, यानी कि सोर्स से आ रहा था सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी, उस पर डिपेंड करता है. ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी इंटेंसिटी थी, तो उस पॉइंट को भी हाईलाइट कर देता हूं. एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन सरफेस. सरफेस पर कितने फोटॉन्स आ रहे हैं उसके उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं. ऑब्वियस भी है, क्योंकि आपने देखा एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है और एक फोटॉन ही उस इलेक्ट्रॉन के फ्यूचर को डिसाइड करता है. बाकी फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, बाकी फोटॉन्स बाकी अलग इलेक्ट्रॉन्स के फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर सभी फोटॉन से डिसाइड नहीं होता है. दैट्स द पॉइंट. इसको अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स डज नॉट डिसाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन्स व्हिच वाज इंसिडेंट ऑन दैट इलेक्ट्रॉन. बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको आपको समझ के रखना है. वो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पर आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, इमिटेड एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, और क्या क्या चल रहा होता है. एक और लास्ट पॉइंट है जो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एज अ लॉ कंसिडर किया जाता है, इंटेंसिटी के बारे में. देखो ये जो लाइट हमने इंसिडेंट कराया था तो ये एच एफ उसकी एनर्जी थी फोटोन की. अच्छा, हम कितना लाइट कितने ज्यादा एरिया पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो या फिर पर यूनिट एरिया कितने फोटॉन्स लेके आ रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया कितने फोटॉन्स लेकर के आ रहे हैं वो हमको इंटेंसिटी बताता है. क्योंकि आप जानते हो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग, जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था पावर का, ये फॉर्मूला. सो इस फॉर्मूले में देखो ये पावर है, पावर की वैल्यू थी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. अगर इसी पावर को हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी. बिकॉज इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. नहीं, उसी की जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब अगर किसी लाइट में, अगर लाइट का क्रॉस सेक्शन देखा जाए ए, उस पर कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी बताता है. सेम क्रॉस सेक्शन से अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसका मतलब वो ज्यादा ब्राइट है, मोर इंटेंसिटी वाला लाइट है. और अगर कम फोटॉन्स क्रॉस कर रहे हैं किसी गिवन एरिया से पर यूनिट टाइम, तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम है, दैट मींस वो डिम है. कोई भी फोटोन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी जीरो है, दैट मींस देयर इज नो फोटोन, दैट मींस देयर इज अ डार्क. सो पॉइंट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर डिपेंड करता है. नाउ अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहां पर हम कितने फोटॉन्स लेके जा रहे हैं इस लाइट के साथ वो हमारी इंटेंसिटी बताएगा. तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो बेसिकली कितना ब्राइट है कितना नहीं, वो एक अलग कहानी है. सो कंपेयर आपको किससे कराएगा, इंटेंसिटी से
काइनेटिक एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से इनके आपस में क्या रिलेशंस चल रहे हैं उनके बारे में जानता है या जानना चाहता है। सो एक लॉ ने यह बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन इंसिडेंट एनर्जी से है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी से। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इंसिडेंट लाइट थी उस पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे, दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। अगर ज्यादा इंटेंसिटी रहा होगा इसका मतलब है सेम एरिया पे ज्यादा फोटॉन्स आए होंगे और हर फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन से मिला होगा, अगर 100% वो स्ट्राइक करता है, या फिर ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से मिला होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से मिला होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो फिर वो बाहर निकल के आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमको बाहर मिलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि कितना एनर्जी है, एज लॉन्ग एज वो एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो इस बात पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इंटेंसिटी कितनी थी। सो दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट। सो मैं यहां पर लिखता नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज proportional to the intensity of light incident. जो light आपने incident कराया था उस incident light की intensity कितनी थी उस पर number of photo electrons जो आने वाले वो depend करेंगे। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन होगी या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन होगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एज लॉन्ग एज थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ऑफकोर्स थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इसका मतलब है फिर फ्रीक्वेंसी से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। More intensity, that means more photons are meeting with more electrons, so more photoelectrons are coming outside. So if you want to write this equation, you can write in this manner ki ek photon ek electron se milta hai aur aapko kya deta hai, ek electron deta hai jiske paas energy hoti hai. Ab ye absorb ho chuka hai, absorb hone ke baad agar ye nikalta hai to har ek photon har ek electron ke sath aisa kar sakta hai. हाँ, अब इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि क्या फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल किया है या नहीं, क्योंकि आप देखो जब लाइट इंसिडेंट कराते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाए ही नहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर गया नहीं तो उस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब नहीं किया होगा, किसी और पार्टिकल के पास चला जाएगा या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, या भी मे बी लाइक न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, जो भी होता है उसके साथ, तो वहां पर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगी तो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर वही निकलेगा जो फ्री होगा और रिमूवेबल होगा। सो पॉइंट वॉज कि सभी फोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन निकले जरूरी नहीं है, और अगर वो राइट इलेक्ट्रॉन के पास गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। हाइपोथेटिकली कई बार ऐसा बोलेगा कि 100% फोटॉन्स यूज में आ जाते हैं, तो फिर 100% का मतलब हुआ सभी फोटॉन्स के साथ सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गए, और 50% होगा इसका मतलब हाफ फोटॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहे हैं, बाकी हाफ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं मेटेरियल के साथ। सो ये फोर लॉज मैंने आपको बताया, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे कि कितना एनर्जी जाएगा, कितना फ्रीक्वेंसी आएगा, कितना इंटेंसिटी आएगा, क्या क्या स्टोरीज बनने वाली हैं वो समझेंगे। अगेन आई एम मूविंग वेरी स्लो फ्रॉम द बेसिक्स इवन दो यू हैव गोन थ्रू, क्योंकि ये पॉइंट अपने को रियलाइज होना बहुत जरूरी है। अब मैं कैन टू फोटॉन्स स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, एक फोटोन के साइमल्टेनियसली ओके आप अगर ऐसा चाहते हो अपने कैन पूछा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से एक लाइट डालो यहाँ से भी एक लाइट डालो, तो दोनों अगर फोटॉन्स एक साथ आएंगे और इलेक्ट्रॉन कैपेबल होगा तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा। होता क्या कि जब फोटोन मिलता है ना किसी मेटेरियल पार्टिकल के साथ तो यहाँ पर थ्री टाइप्स स्टोरीज बनती हैं, थ्री टाइप्स स्टोरीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है मैं बताता कि वो फोटो
इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे यहाँ पे देखा, जनरली दो भी बोल सकते कि या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए कि ये सरफेस था, ये लाइट आया, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, तो फोटोन आया, फोटोन को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जैसे ग्लास वगैरह होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फोटोन हमारा नेक्स्ट मीडियम पे चला जाए। रिमेंबर कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब देखो एक बाउंड्री होती है या फिर ये ग्लास होता है, तो उसमें मिलने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। और थर्ड केस ये हो सकता है कि मटेरियल उसको एब्जॉर्ब भी कर ले जाए, मतलब लाइट आई, लाइट खत्म, दैट मीन्स लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। सो कुछ पोर्शन एब्जॉर्बेशन में चला जाता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन में चला जाता है, कुछ ट्रांसमिशन में भी निकल जाता है। और यहाँ पर हम सिंस फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। एब्जॉर्ब करने के पास उसके पास एनर्जी आ जाएगी, तो इसके पास एनर्जी होगी, अब ये इस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। इट विल टेक वन मोर मिनट कि अब एनर्जी की इक्वेशन थी वो मैं बना देता हूँ, उसको आइंस्टाइन की एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। सो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट में जाएगी, एक तो इसको फ्री करने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। सो दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू हाईलाइट ओवर हियर एंड दैट विल बी द लास्ट पॉइंट। सो इंसिडेंट एनर्जी मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ, इंसिडेंट एनर्जी किसकी वजह से, फोटोन की वजह से आई थी, इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर टू पर्पसेस, ऐसा नहीं लिखते, इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन वन टू फ्री इटसेल्फ एंड अनदर to increase its kinetic energy. ये दो बेस्ट वे, आइडियलिस्टिक यूज है। इसमें एक थर्ड यूज भी हो सकता है, वो एनर्जी कोलिजन में कहीं इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो वहां पर भी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, इग्नोरिंग की वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो फिर दो पार्ट में जाएगा, अपने आप को फ्री करने में और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैन वी से कि HF जो एनर्जी आया था इंसिडेंट एनर्जी, ये उसको फ्री करने में गया प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में गया। जो फ्री करने में जाता है उसको एक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्व फंक्शन, कई बार उसको W या फाई से लिखते हैं, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। सिंस ये बेस्ट पॉसिबल वे पे यूज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इससे कम वैल्यू होगी क्योंकि उन्होंने कुछ एनर्जी वेस्ट कर दी होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी वेस्ट नहीं की गई थी, तो ये मैक्सिमम होगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ this thing that's called photoelectric effect. So incident energy goes into removing an electron and having maximum kinetic energy. Iska matlab hua ki yahan par jo phi hai that is called work function. Aur ye jo work function hota hai na wo metal ka hota hai. Matlab kaun metal aapne choose kiya wo bata raha hota hai ki uska electron kitna bounded hai. तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड होगा इसका उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में। सो मेटल डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन ये फोटॉन्स नहीं। सो दैट इज वर्क फंक्शन फॉर मटेरियल। और काइनेटिक एनर्जी फोटोन के पास या फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आएगी, वो जीरो से लेकर के के मैक्स तक होगी। अगर उसने सारी एनर्जी वेस्ट कर दी होगी कोलिजन्स वगैरह में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी निकलने के बाद। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम के बराबर आ जाएगी। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कुछ ग्राफ्स बनेंगे और इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इटसेल्फ एज वेल एज टू हैव सम डायनेमिज्म। कॉपी कर लीजिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आफ्टर वी विल गो फॉर डी ब्रॉगली, दैट मीन्स मटेरियल्स के जो वेव्स बनते हैं उनके बारे में, और फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो दो YDSC करते हैं और ये करते हैं तो क्या होगा, यस वो दोनों फिनोमेना एक साथ हो सकते हैं, बिकॉज हम जब पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से उसको समझ लेते हैं कि हम कौन से पार्ट को फोकस कर रहे हैं, बट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो डिपेंड करता है कि सुटेबल कंडीशंस हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ जाएगा। तो YDSC में अगर आपने स्क्रीन को ये बना दिया, मेटल का बना दिया,
उस पे अपने को क्या देखना है, उस पे अपने को ये देखना है कि जो इंसिडेंट लाइट थी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा है या नहीं। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा उसके पास एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी इंटेंस फ्रीक्वेंसी कम थी वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से तो फिर हम बोलेंगे कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स डन। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, मेक योर नोट्स, गो थ्रू विद द टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज SCV or whatever you are following. Conceptually बहुत important है ये सब। Thank you guys. आपका फिर भी कोई question आया तो मैं जिसने पूछा उनको बताता। Rest you can go. What happens to photons after collision? Photons. Photon absorb हो जाता है। Photon is energy. We defined photon as energy. तो energy electron को मिली तो वो energy अब electron की हो गई, मतलब फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। इट्स लाइक एनर्जी वाज गोइंग, जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो ये ऑब्जेक्ट से लिंक होते हैं, यहाँ पर स्पेशल हो रहा है, एनर्जी अपने आप मूव कर रही है और वो एनर्जी अगर किसी से मिलती है तो उसकी हो जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन से मिली तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन गई, फोटोन्स डिसअपीयर्ड, तो उसको बोलते हैं वो एब्जॉर्ब हो गया। करेक्ट, थैंक यू।